उसके पिता और कौन? जहाजों के जैसे हवा से बना एक पहाड़। क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? मैं सम्राट सुग्रीव का वफादार हूं, एक वानर, वायु पुत्र हनुमान। वायु, वायु, वायु। पिताजी, जिस हनुमान के साथ मैं बचपन में डाल डाल झूलकर इमली तोड़ता था, वो एक देव है, वायु का पुत्र। पर वायु तो हवा है, दिखता है, मतलब प्रकटता है, या हवा की दिशा और दशा आज तक कौन समझ सका है बेटा? हमारी तरह हनुमान भी वायु को देख नहीं सकेगा, पर उसका एहसास जीवन भर रहेगा। क्या हर शिशु की पहली किलकारी वायु को समर्पित नहीं? उसकी पहली सांस, जन्म से लेकर मरण तक हमारी हर सांस वायु पर ही तो निर्भर है। एक फूंक से उसने हमें जो जीवन दिया, अंतिम सांस निकलते ही वही जीवन उसके पास। हमने धरती और सागर की सीमाओं को देखा है, उसे लांघा है, पर वायु की सीमा किसने देखी है? जिसकी प्रचंडता बड़े बड़े पर्वत को ढेर बना दे, जिसका बहाव उड़ते बीजों को रेगिस्तान में फैलाकर उसे जीवित कर दे। वायु का प्रभाव सदा के लिए है बेटा। आज उसने अपने बेटे को उसकी शक्ति दी है, कल उस शक्ति के सही उपयोग की क्षमता देगा, जो हनुमान को एक आम वानर से ज्ञान गुण सागर बना देगा और जाग उठेगा एक नया हनुमान, जिसके आगे होगा एक नया संसार। नियंत्रण किए अपनी शक्ति अपार। धन्यवाद बाबा, वरदान की समझ मुझे देने के लिए। ये पवन मेरा भार नहीं, मेरा भाग है, इसलिए मुझे इसके बहाव से टकराना नहीं, इसके साथ बहना होगा, ताकि इसके जोर से मैं लंका पहुंच सकूं। और फिर तभी बन पाएगा वो मनुष्यों का भगवान, वज्र जैसे एक ऐसा बलवान, बजरंग बली हनुमान। हनुमान में पवन पुत्र हनुमान। पर देव हो या भगवान, सामने आएंगे कुछ ऐसे तूफान। बिन बुलाया मेहमान।